मेरे प्यारे दोस्तों, योग विद्या का महत्व जिसने भी समझ लिया अवश्य बुद्ध विवेक बन जाएगा, पतंजलि बन जाएगा। हमारा शरीर एक कंप्यूटर की तरह है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। योग विद्या से हम हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं आसना और प्राणायाम से कि बीमारी कभी आती ही नहीं, और सॉफ्टवेयर जो हमारा मस्तिष्क है इसको इतना अच्छा प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि इसमें नकारात्मक शक्तियां कभी आ ही नहीं सकती। सकारात्मक शक्तियां अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान, इन सारे सुविचारों से मनुष्य पूरी पृथ्वी को जोर देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है। और व्यक्ति स्वार्थ विहीन हो जाता है, परमार्थी जीवन जीता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। सबों के लिए जीता हो, उसे मालूम है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। कुछ गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है, वो इंसान बन जाता है। बिल्कुल मेरी तरह मेरे भाई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, 24 घंटे और जितने जीवन हमारे अभी बाकी, मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि यही योग विद्या का ज्ञान है। आत्मसर्वभूतेषु मातृवत परदेरेषु, मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। इसीलिए प्यारे दोस्त, मैंने अपना नाम ही रख लिया है पंडित, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। पंडित का अर्थ सुन लो, पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यः पश्यति सो पंडितः। एक एक शब्द मेरे जीवन में बिल्कुल सही उतरते हैं। हर माँ बहन बेटियों के लिए, हर दोस्त भाई बंधु पिता पितामह के लिए हमेशा संवेदनशील रहता हूँ। वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि योग विद्या का तथ्य यही है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। लेकिन दुख तब होता है जबकि व्यक्ति नरव्याघ्र की तरह, जंगली जानवरों की तरह केवल स्वार्थ के लिए जीता है। पूरी दुनिया में यही बात है, ये नहीं कि ये भारत के जो राजनीति दल हैं, चोर उचक्के बदमाश शैतान लुटेरे देश को लूटते हैं, सारे झूठे वादे करते हैं और देश की मासूम नागरिकों की खून चूस लेते हैं, पी लेते हैं। कौन भूल सकता है केजरीवाल को और यादव फैमिली को, लल्लू हो, मुलायम हो, ममता हो, या अनेक ऐसे गद्दार देश की पार्टियां हैं जो अपना धंधा चलाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग इतने गिरे हुए इसीलिए हैं कि झूठे वादों के आधार पर ये हजारों करोड़ की संपत्ति बटोर लेते हैं। जिसके पास कुछ नहीं था वो दिखाने के लिए तो ममता अभी भी चप्पल पहनती है, लेकिन हजारों हजारों करोड़ के नोटों के बंडल मिलते हैं उसके लोगों के यहाँ से। हर जगह भ्रष्टाचार है और इनकी बातें ऐसे होती हैं जहरीले, और देश का जो महान नायक है, बुंदघात सही गिर कैसे खल के बचन संसद जैसे। प्यारे दोस्तों, योग का ही असर है कि नरेंद्र मोदी जी जहर पीते हैं महादेव की तरह, शंभु की तरह, क्योंकि हमारे योग के जो प्रारंभिक अभ्यास करने वाले थे आदि गुरु आदि योगी शिव शंभु महादेव ही थे। प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैंने योग विद्या सीखा है, प्रेरणा आई थी मानरत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी साहब से, और एक महान भारत के पुरुष जो खुद एक महान गुरु हैं
डॉक्टर रमना राव जी से। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जिंदगी बहुत थोड़े दिनों की है, जीने की कला सीख लो और उसका एक ही माध्यम है प्रेम। सबसे प्रेम करो, सब में अच्छाई देखो, सबके साथ हिल मिल के रहो और सबके बारे में अच्छा सोचो। कोई दुखी नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, और सबका आधार तो अज्ञानता ही है। योग विद्या हमेशा हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान की प्रकाश की ओर। असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिर्गम्यो, मृत्यु माँ अमृतम गम्यो। प्यारे दोस्तों, मेरा जीवन का यही उद्देश्य रहा है और मैं धन्यवाद करता हूँ मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी साहब से, हमारे EMLC के डायरेक्टर EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर रमना राव जी से, कि इन्होंने हमें योग विद्या सीखने का, अभ्यास करने का और सिखाने का अवसर दिया। आप सबों का जय हो। यह स्थान है ओम शांति आश्रम और यहाँ जो निवास करने वाले योगी हैं उनका नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। जंगली इलाका है मेरे दोस्त, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन जंगल में मंगल तभी होगा जब अपने हार्डवेयर को, जो शरीर है, सबल करेंगे आसना और प्राणायाम से, और आपका सॉफ्टवेयर जो आपकी बुद्धि है, मस्तिष्क है, उसको दुरुस्त करेंगे ज्ञान के सागर में गोते लगाने से। प्रेम की भाषा सीखो, करुणा में बनो, दयावान बनो, सर्वशक्तिमान बनो, उपयोगी बनो, योगी बनो। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और सबों से यही निवेदन करता हूँ। महामानव होता है मनुष्य, सारी शक्तियाँ इसके पास है, इसकी बुद्धि में, इसकी मस्तिष्क में। सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ते हुए इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।